दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। जैसे भोजपुरी में मैकिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारा अपडेट आप लोगों को बीसीटी पर हमेशा से देखने को मिलता है। आज हम बैठे हैं जैम्बे फार्म हाउस में और यहाँ पर चल रहा है भोजपुरी लोकगीतों का शूटिंग। यानी कि आप जो है ढेर सारे जो ऑडियो वीडियो सुनते और देखते हैं यूट्यूब पर आए दिन हमारे ढेर सारे फेमस कलाकारों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपको इन्हीं ढेर सारे फार्म हाउसों से ही देखने को मिलता है। तो आज सुभाष राजा जी हमारे बीच में बैठे हैं और इनके बहुत ही लोकप्रिय गाने का आज शूटिंग हुआ है, तो इन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या खास है, क्या स्पेशल है। जी स्वागत है आपका। जी सबसे पहले तो हम कहे के चाहता नहीं कि बीसीटी चैनल के जे भी देखता है सभी दर्शक के दसू नौ जोर के प्रणाम बटे। जी सुभाष जी, वैसे तो हमारा आपका और हमारे ढेर सारे दोस्तों का मुलाकात आपसे कहीं ना कहीं होता ही रहता है, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे फेसबुक लाइव के माध्यम से, और ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप जो है हमारे ढेर सारे दोस्तों से मिलते रहते हैं। लेकिन आज का जो मुलाकात है हमारा और आपका कुछ खास है, कोई गाना आपका बड़ा बढ़िया शूट हुआ है, क्या कहेंगे उस विषय में? जी अभी एक चैनल है जय हिंद, जय हिंद म्यूजिक, उसके लिए शूटिंग हो रहा है आज और कल की भी शूट लगी हुई है। कल RCM के लिए शूट है और परसों नरसों लाडला के लिए शूट होगा। तो कुल मिला के बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके लिए मैं अभी गाया हूँ और जो लगातार एक दिन दो दिन अंतराल दे के सबके गाने शूट होंगे और सब में कुछ न कुछ खास है। अच्छा, मैंने देखा है कुछ दिन से जो है कंटेंट आपके आ रहे थे, परमानेंट आ रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, लेकिन एकाएक इतना ज़बरदस्त वापसी जो है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए सर, कुछ दिन तो मैं बहुत कम एल्बम आ रहे थे, रेगुलर आ रहे थे लेकिन कम एल्बम आ रहे थे। उसका कारण है कि मैं बिहार में क्या है कि उतना आदमी एक्टिव नहीं रहता है। बिहार में रहते थे तो एक्टिव नहीं थे, अब यहाँ आए हैं, अब रेगुलर यहाँ रह रहे हैं तो इसीलिए एक्टिव है और काम पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा, आज कितने गाने का शूट है? आज 22 गाने का शूट है। अच्छा अच्छा जी, तो 22 गाने शूट करने के लिए टीम वर्क जो होता है बहुत मजबूत होना चाहिए। जी जी जी। तो अपने टीम वर्क के विषय में क्या कहना चाहेंगे? टीम वर्क तो हमारा जो भी है टीम, जैसे गाने लिखे हुए हैं आदित्य राज जी के और हमारे चाचा जी ललन शर्मा जी, चाहे हमारे वीडियो डायरेक्टर मदन बाबा जी हैं और बहुत ही अच्छे मेरे मित्र कृष्णा सिंह जी, वशिष्ठ जी, सबका सहयोग है। यानी हम लोग सबको टीम वर्क, म्यूजिक इसमें दिया हुआ है विकास यादव जी का और कुछ म्यूजिक दीपक राय जी का दिया हुआ है और भी हैं, विनोद थपलियाल इनका दिया हुआ है। हाँ, मतलब एक मजबूत टीम वर्क है जी, और कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह पहले मैं काम करता था उसी तरह फिर कमबैक करके काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है इस पर मैकिंग से रिलेटेड ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे भी नए पुराने भोजपुरी सिंगर हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अपना अनुभव शेयर करेंगे उनके साथ कि मतलब शुरुआत जो होता है, अगर कोई बंदा शुरुआत कर रहा है तो कैसे करे? देखिए, बचपन में एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो ये क्या है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जी। और जो इसमें लगा रहेगा वो एक न एक दिन जरूर मुकाम हासिल करेगा, चाहे हम हो, चाहे कोई नया लड़का हो, चाहे एनीथिंग इससे रिलेटेड काम हो या कोई दूसरा ही काम हो, आदमी अगर लगा रहता है तो एक न एक दिन जरूर उसको सफलता मिलती है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब कोई लेवल पे जब ही पहुँचता है कि उसके अथाह कंटेंट मार्केट में होते हैं और लोगों का सपोर्ट होने लगता है, यानी कि लोगों की नज़र में बसने लगता है लोग, तो लगभग कितना गाना हो चुका होगा आपका? गाने तो बहुत हैं सर, गिनती से अगर देखा जाए तो 1000 गाने से तो कम नहीं होंगे मेरे। अच्छा अच्छा, और उसमें से बजने वाले भी बहुत सारे गाने हैं। सबसे पहले तो मेरी पहचान बिरजा भार से बना हुआ था जो एंगल म्यूजिक से रिलीज था, उसके बाद में एंगल से लगातार एक पर एक झिझिया, उसके बाद में चकवा वगैरह, छठ वगैरह के गाने, सब जितने गए उतने बजते गए, पहचान बनती गई। और बीच में थोड़ा सा कोई दिक्कत था कि जिससे मैं बिहार चला गया, कुछ दिन बिहार रह गया, गांव देहात में रहने के बाद में थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ और अभी फिर आए हैं तो फिर मेहनत कर रहे हैं सब कोई मिल के। तो सुभाष जी, आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे मित्रों से?
बिल्कुल, सबसे कहना यही चाहेंगे कि जिस भी कंपनी से मेरा गाना जा रहा है सबका कम्युनिटी में लाडला पे दूंगा, लाडला म्यूजिक कंपनी, चाहे सुभाष राजा ऑफिशियल पे, आप लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। और साथ में जिस भी कंपनी से जा रहा है सबको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो ऑडियो मेरा जाता है आपको सबसे पहले आपको मिले और सुनने को मिले, और उसको शेयर कीजिए, प्यार दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।